हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मोहर्रम स्पेशल रोट, जो हमारे घर में कई सालों से बनता आ रहा है। एक तरीके का जिसे बिस्किट कहा जाता है, उसी तरीके का बनता है, या बिना बेकिंग पाउडर के जिसे कहते हैं कह लें। यहाँ पे आप लेंगे रोट के लिए 1 किलो होल व्हीट फ्लावर आटा गेहूँ का। यहाँ पे लेंगे 1 किलो आपका आटा हो तो 1 पाव सूजी लेंगे आप। सूजी यहाँ पे ले रही हूँ मैं, इसको आप घी डाल के मैं रोस्ट कर लूंगी। शीरे के लिए आपको चाहिए 1 किलो चीनी और 1/2 लीटर दूध। इसका मैं सिर्फ चीनी घुल जाए उस तरीके का शीरा बना लूंगी। यहाँ पे आप लेंगे थोड़ा सा घी, मैं ले रही हूँ। पूरे प्रोसीजर में आपको लगेगा 1 पाव से थोड़ा सा ज्यादा घी। यहाँ पे आप लेंगे 1 नारियल, 1 मुट्ठी कद्दूकस किया हुआ नारियल इसमें डाल दूंगी मैं, बस थोड़ा सा ये भून जाए। बाद आप यहाँ पे डालेंगे मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर, जो भी आप पसंद करते हो ड्राई फ्रूट, काजू बादाम या फिर खजूर, सूखा ड्राई खजूर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सारी इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े लेके ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से। इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूंगी। इसके बाद आप ऐड कर दें सूजी। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी सूजी। सूजी अलग और आटा अलग से भून ले। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। सूजी, ड्राई फ्रूट पाउडर और नारियल इस तरीके से भून लिया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं घी और थोड़ा 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया है। यहाँ पे 1/2 आटा मैं डाल दूंगी और इसको भी मैं भून लूंगी उसी तरीके से जैसे सूजी भुना था। आटे को देखिए इस तरीके के कलर आने तक भून लें आप, और उसको ठंडा भी कर लें। इसमें आप मिक्स करेंगे इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून। इसमें आप जो ड्राई फ्रूट्स और सूजी और खोपरा मैंने भून लिया था उसको भी मिक्स कर लूंगी मैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आप, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आप। उसके बाद शीरा देखिए इस तरीके का बन चुका है, उसका शुगर सिरप, दूध और चीनी मिक्स किया हुआ। ज्यादा ना पकाएं, सिर्फ चीनी घुल जाए। इस तरीके से होल बना लें बीच में, थोड़ा सा इस तरीके से डाल दें 1/2 सिरप 1/2 शीरा, इस तरीके से मिलाते जाएं। इस तरीके से मिक्स करें और बाकी का सिरप डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसको गुठलियां ना पड़े, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, जब तक कि सूजी पूरी फूल नहीं जाती और आटा अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। 2 से 3 घंटों के बाद देखिए इस तरीके का हो चुका है वो रेस्ट किया हुआ बैटर। आप अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें घी से, घी लगा लें इस तरीके से, और इस तरीके से थोड़ा सा पोषण लें। अगर आपका ज्यादा सख्त हो तो आप थोड़ा सा दूध शामिल कर दें, या फिर इस तरीके से नरम हो जाए, इस तरीके से बाइंड करो तो बाइंड हो जाए इस तरीके से। इस तरीके से आटा नहीं गूंथते, उस तरीके से गूंद ले। थोड़ा सा घी लगा के इस तरीके से आटे को थोड़ा सा गूंद ले और थोड़े से पोर्शन बना लें, बड़े हो या छोटे, इतनी शेप में आप बना लें। जैसे आलू की टिक्की बनती है उस तरीके से बना लें। यहाँ पे आप लेंगे ड्राई नारियल, खशखाश और मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे आप, नारियल, खशखाश और ये इस तरीके से इसको नीचे इस तरीके से दबा दें। इस तरीके से मैं सारे बना लूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सारे रोट बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आप तवे पे सेकना चाह रहे हैं तो थोड़ा घी डाल दें इस तरीके से, या फिर ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट्स, 30 मिनट 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। इसको थोड़ा सा बस कलर आ जाए फ्राई कर लें। इस तरीके के कलर आने तक आप सेक लें इसको। इस तरीके से बनाएं रोट, और किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर करें।